शहर में कोरोना के बढ़ते वार, 24 घंटों के दौरान 15 अंबाद कोरोना के 1045 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 19,206 तक पहुंच गई, जबकि 8,109 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,813 नए केसेस, तादाद 38,903 हो गई। वायरस के शिकार लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर कैमरामैन अली जान इंतकाल कर गए। कोरोना वबा ने पुलिस अफसरान को अपनी लपेट में ले लिया, एएसआई अब्दुल हमीद कोरोना के बायस शहीद। दो रोज कबल दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पुलिस में कोरोना से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। साबिक आईजी अमजद जावेद सलीमी भी वायरस का शिकार। 6 एसएचओस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस महकमे दाखिला हुसैन अहमद रजा कोरोना का शिकार हो गए। मुतासर अफसरान में एसएचओ लारी अड्डा, शेख अद्दान सुल्तान, एसएचओ गाजियाबाद, एसएचओ बागबानपुरा और एसएचओ डिफेंस भी शामिल। एसएचओ मनामा और सर्वर रोड में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी कोरोना की जद में। पंजाब असेंबली के मजीद 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार। पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान में वायरस की तस्दीक। फूड अथॉरिटी के 35 मुलाजमीन भी मुतासर, हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर बंद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस के 10 मुलाजमीन में इस वायरस की लपेट में आ गए। बाबडा और लेस्को में कोरोना से मुतासर मुलाजमीन में तेजी से इजाफा। उधर एयरपोर्ट पर भी 10 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आ गया। कैंप जेल के वार्डर भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद में बज़ाहिर कोरोना की कोई अलामत नहीं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर शेख रशीद 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में चले गए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक और कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। शहबाज शरीफ ने 3 जून को पेशी के बाद एक और कोरोना टेस्ट का फैसला किया था। बेकरीज और दूध दही की दुकानें हफ्ता भर 24 घंटे खुली रह सकेंगी। चिकन और मीट शॉप सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते भर खुली रह सकेंगी। वजीर आला की कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत। गवर्नर पंजाब कहते हैं हर जगह रश ऐसे है जैसे कोरोना को शिकस्त का जश्न हो। कोरोना को संजीदा ना लेने वाले अपने और दूसरे के दुश्मन हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी जैसे कोरोना हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदारिस को एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने मदारिस खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मदारिस खोलने की इजाज़त दी तो स्कूल्स और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। इतिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के वक्त से मुज़ाकरात में, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का मौका। लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 133 मुकदमा दर्ज। डिविजनल अफसरान ने शहर भर में 193 मार्केट, 4,951 दुकानों को चेक किया। पुलिस ने 1,000 दुकानें सील कर दी, जबकि मास्क ना पहनने पर 3,100 चालान किए गए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के टाउनशिप करी मार्केट और दीगर इलाकों के हंगामी दौरे। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कई दुकानें सील करने का हुक्म दे दिया। बगैर मास्क आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने की तलकीन की, जबकि दानिश अफजाल ने नारकली मॉल रोड और हाल रोड पर कोरोना एसओपीज को चेक किया। एसओपीज पर अमल दरामद ना करने पर 24 दुकानों को सील कर दिया गया। उधर सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, दौरान चेकिंग मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग दी। लॉकडाउन के मनफी असरात या फिर मौशी बदहाली का तसलसल। सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई। महाना गोशवारे जमा कराने वाले टैक्स गुजारों की तादाद 37,000 रह गई। कोरोना वायरस से पंजाब भर में माली बहरान। पंजाब हुकूमत ने पुलिस के तरक्याती बजट में तीसरा कट लगा दिया। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 2 अरब 61 करोड़ से कम करके 99 करोड़ कर दिया गया। पंजाब पुलिस को 99 करोड़ बजट के मुताबिक स्कीम्स का तखमीना लगाकर भिजवाने की हिदायत। उधर हुकूमत पंजाब का यूथ सेंटर्स के मनसूबे को फंड्स देने से इनकार। स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में यूथ सेंटर बनाने का मंसूबा बनाया था। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए महकमा माहौलियात पंजाब के बजट में भी। पेट्रोल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पेट्रोल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। 8वें रोज भी शहरी पेट्रोल की तलाश में सरगर्दा। पीएसओ के पंप्स के अलावा प्राइवेट कंपनीज के बेशतर पंप्स बंद।
शहरी और ट्रांसपोर्टर्स ईंधन के लिए ख्वार हो गए। सिर्फ 30-40% सप्लाई बहाल होने से बहरान बदस्तूर मौजूद। वफाकी और सूबाई बजट की आमद आमद, शहर में महंगाई का राज, सब्जियों और फलों की सरकारी नरखनामे पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपये जबकि चक्की का आटा 65 रुपये फी किलो में फरोख्त होता रहा। हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने रविश ना बदली। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों की किल्लत बदस्तूर बरकरार। जौहर टाउन, टाउनशिप, पीको रोड और दीगर इलाकों में चीनी की फराहमी ना हो सकी। सफेद, काले चने, दाल माश समेत दीगर दालें भी नायाब। पंजाब में मॉडल बाजार कंपनी बंद करने का फैसला। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म करके अथॉरिटी कायम की जाएगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट मंजूरी के लिए महकमा कानून को भेज दिया गया। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के तहत सहूलत बाजार चलाए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। हुकूमत में पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकरर तबादले कर दिए। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तौकीर हैदर काजमी को OSD बना दिया गया। रऊफ अहमद की खिदमात मजीद तकर्री के लिए DGLDA के हवाले। एडिशनल सेक्रेटरी पॉपुलेशन आयशा रांझा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। सैयद साजिद तरमजी की खिदमात पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले। मसूद उल हक को DG नारकोटिक्स कंट्रोल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल शुरू। दहम नहम जमात की किताबें दी गईं। इंतजामिया ने किताबों की तकसीम के वक्त कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के 6 लाख बच्चों में 24 लाख किताबें तकसीम की जाएं। शहर में लॉकडाउन और जगह जगह नाकाबंदी से भी जराइम कम ना हुए। रवां साल 5 माह के दौरान 63,324 मुकदमा दर्ज। डाकुओं ने मुजाहमत पर 16 अफराद को कत्ल कर दिया। 5 माह के दौरान कुल 168 अफराद को कत्ल किया गया। डकैती और राहजने की 1387 वारदातें रिपोर्ट हुई जबकि 327 मर्द और खवातीन को अगवा और 8 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने वाली डॉल्फिन फोर्स डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम। नवाकोट में डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया जबकि इस्लामपुरा के इलाके बैंक रोड में डकैती वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने शहरी से 12,000 नकदी कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात की CCTV फुटेज 342 को मौसू। सिविल कोर्ट में नवाज शरीफ की वालिदा के खिलाफ अराजी कब्जा केस। सिविल जज राबे रियाज ने राबे रोशन की दरख्वास्त पर समाप्त की। अदालत ने फरकैन के वकला को 15 जुलाई के लिए तलब कर लिया। पंजाब असेंबली में ऑरेंज लाइन के किराए के तायुन पर बहस मुकम्मल। अपोजिशन ने 30-40 रुपये किराया तजवीज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत कहते हैं 30 अरब सालाना सब्सिडी की मद में नहीं दे सकते। नून लीग रहनुमाओं ने कहा तहरीक इंसाफ शुरू से ही ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी के सईद हसन मुर्तजा बोले हुकूमत ने जब आटा और चीनी चोरों को सब्सिडी देना होती है तो ऐवान में बहस नहीं करवाई जाती। पंजाब में बगैर इजाफी अखराजात 1,227 स्कूल्स के अपग्रेडेशन का फैसला। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। खजाने से 1 रुपया खर्च किए बगैर स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी। महकमा तालीम ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर आला बोले तालिबात के 606 और तलबा के 621 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, कोरोना सूरत हाल और फलाह आमा के इकदाम पर तबादला ख्याल। बजट इजलास को अहसन तरीके से चलाने पर इत्तेफाक। वजीर आला की जानिब से गुस्ताखाना किताबों पर पाबंदी के हवाले से स्पीकर को खराज तहसीन पेश। बजट 2020-21 तरक्याती बजट में हुकूमती और अरकान असम्बली की सुनी गई। हुकूमती और इतिहादी अरकान असम्बली को फंड से महरूम नहीं रखा जाएगा। आइंदा माली साल में हुकूमती इतिहादी अरकान के लिए 15 अरब मख्तस करने की तजवीज। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म पर लूटमार करने वाले चीख रहे हैं। मुतहदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की ABC फर बोलती है। फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू बोले ये एहतसाब से बचने के लिए APC का पहाड़ा पड़ने के भी माहरीन हैं।
ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच सकती। कौम डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम को सलाम पेश कर दी। वजीर आजम ने वसी तर मुल्की मफाद में काबिल तहसीन कदम उठाया। गंदम इम्पोर्ट होने से जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी होगी। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की गंदम दरामद करने की इजाजत पर गुफ्तगू, बोले किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिली, गंदम 1400 से 1600 तक खरीदी गई। पार्क्स खोल दिए गए मगर रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी की हजारों अफराद के बेरोजगार होने, इंडस्ट्री की तबाही के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। KFC के कंट्री मैनेजर गौहरेज हबीब लोदी और दीगर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, बोले लाखों मुलाजमीन बेरोजगार बैठे हैं, SOPs पर अमल दरामद करके रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दी जाए। सदमे टुर गया सजनो यारां दा ओ यार जग दे विच पहचान सी जी दी नकवी सैयद अंसार बन मुसाफर मंजिल चले हासस ओ ते सारे मंजिल उत्ते अजल फरिश्ता वाजा प्यासी मारे। सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स 24 न्यूज़, सैयद अंसार नकवी शहीद को खराज अकीदत। कसूर के मारूफ शायर गुलाम गौस लखी का शहीद को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाक चीन तिबी माहरीन की मुश्तरका वीडियो कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महमूद चौकत समेत दीगर की शिरकत। डायरेक्टर प्रोफेसर वांग जिन माओ ने कोरोना की मरबूत मैनेजमेंट पर लेक्चर दिया। डायरेक्टर प्रोफेसर जी गोंग ने कोरोना से बचाव और इलाज के मौजू पर इजहार ख्याल किया। DG रेस्क्यू पंजाब रिजवान नसीर का नौ तामीर शुदा रेस्क्यू स्टेशन का दौरा, 5 नए स्टेशन पर आजमाइशी ऑपरेशन का जायजा लिया। DG रेस्क्यू कहते हैं नए स्टेशन के क्याम से मस्कूरा इलाकों में रिस्पॉन्स टाइम मजीद बेहतर होगा। PCB की चेयरमैन एहसान मानी को ILCC की चेयरमैनशिप की पेशकश। ICC बोर्ड अराकीन की तजर्बेकार एहसान मानी से मामला संभालने की दरख्वास्त। चेयरमैन के इंतखाब के लिए 10 जून को टेलीकॉन्फ्रेंस में तरीकेकार तय होगा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में एशियन टीम्स का कोटा बढ़ा दिया। अब एशिया की 3 टॉप टीम्स बराह रात वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पहले सिर्फ एशिया कप की फातह टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती थी। नए सिस्टम में एशिया से 4 से 5 टीम्स वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकेंगी।